पल्लू इधर आ, सब लोग आओ। क्या लगता है आज हो गया पैसा वसूल? हो गया आज, है ना? फुल पैसा वसूल आज। सच में गाइस, आज का दिन हमारा ऐसा था, सिंपल नहीं था आज, नहीं तो हम जाते रोड से जाते वापस आते। वीडियो स्टार्ट करें, देखो बहुत मजेदार वीडियो है, फुल ऑफ रोडिंग। मुड़ जाएगी जी, थैंक यू। नहीं मुड़ जाएगी, थैंक यू। यहाँ डाल सकते ना उधर ऊपर। निकाल दी हेलो हाय एवरीवन, तो आपका स्वागत है हमारे सेकंड एपिसोड में सिसु लाहौल स्पीति से। तो बस अभी हम लोग, आपने देखा था लास्ट ब्लॉग में, तो हम लोगों ने डील फाइनल करके, फाइनल नहीं हुई अभी, बस अपना एक बजट बनाकर हम लोग निकले। तो देखो यार, नज़ारे देखो सामने, कितने ज़बरदस्त नज़ारे हैं। तो बस अभी हम लोग निकले, तो अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कोई पता है? कहाँ जाएं यार, समझ नहीं आ रही है, लेकिन जाएंगे ऐसी जगह, जाएंगे जहाँ पे खूबसूरती बहुत ज़्यादा होगी। तो बस बने रहो वीडियो में, आगे अभी जाने वाले हैं हम लोग खोक्सर की तरफ चले, चलते हैं खोक्सर की तरफ। खोक्सर से आगे जाएंगे इस बार, पिछली 3 से 4 बार मैं गया, लेकिन एक बार भी पुलिस वालों ने आगे जाने नहीं दिया, लेकिन आज हम जाकर दिखाएंगे खोक्सर से आगे। कहाँ? खोक्सर से आगे दिखाएंगे पूरा रोड। खोक्सर बोलते हैं, कोक्सर नहीं, बोलते खोक्सर। क्या है गाइस बताओ, आप लोग जो भी है आप समझ गए हो ना, जो भी है नज़ारे लो आगे। अंकल ने कहा था यहाँ पे कुछ धार्मिक स्थल है, जो पीछे आपने पत्थर देखा, यहाँ पे 2 सड़क थी, जाने के लिए अलग है और आने के लिए अलग है, तो ये करना ही है। कौन सा गांव था ये, क्या नाम था? तेलिंग। बहुत ही प्यारा गाँव था। इस आज की इस वीडियो में हम लोग ऑफ रोडिंग भी करने वाले हैं, थार का टेस्ट भी होगा, तो यानी टाइटल और थंबनेल थार 4x4 की क्रेजी ऑफ रोडिंग, वो तो आपने देख लिया होगा तभी आप वीडियो देखने आए हो। ये भी तो ऑफ रोडिंग ही चल रही है। रोड देखो ना सामने, कहाँ पे पहाड़ों पे हैं हम लोग, ये देखो नज़ारे लो, मज़े लो मज़े। और यहाँ देखो सुंदर सुंदर नाले बहते हुए, ठंडा ठंडा पानी, और ये लो सामने बर्फ़ के पहाड़, और ऐसे मोड़ जहाँ आगे कुछ भी नहीं दिखता है। नहीं इसको नहीं देंगे अभी चलाने, चलाएगी पल्लू तू गाड़ी, चलो पल्लवी भी चलाएगी गाड़ी आज। यहाँ पानी मिलाओ, पानी में कैसे लग रहे गाइस नज़ारे आज? और पल्लवी गाड़ी चलाने वाली है अब यहाँ से आगे, यहाँ सीट पे बैठ गई है, सिसु में मेरा सुसु निकल जाएगा अगर इसने गलत चला लूं। हम लोग खोक्सर पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे देखकर हमें नहीं लगता कि आगे जाने देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, सब लोग इसी तरफ आ रहे हैं ना, सिसु की तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं, सिसु की तरफ लोग कम जा रहे हैं क्योंकि स्नो इस तरफ है। ये देखो गाड़ियां, देखो यहाँ पीछे से हमने देखा था, आगे तो और भी ज्यादा ट्रैफिक है, तो हमें अपना ट्रैक ढूंढने के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। देखते हैं आगे पुलिस वाले होंगे, उनसे पूछेंगे आगे जाने के लिए ठीक है, अगर वो कहेंगे खाली ट्रैफिक है तो वापस चले जाएंगे, हम कहीं ऑफ रोडिंग ट्रैक ढूंढेंगे। ये बड़ी गाड़ी में लड़की कैसे है? मेरे पापा ने तो बोला था बस सिर्फ मर्द चलाते हैं गाड़ी, मर्द क्या तुम्हारी चीज कैप्चर करें यार, ऐसी चीजें करा करो दीदी आप, मर्द ही नहीं औरत भी चलाती है और ज्यादा अच्छी चलाती है। झरने देखो कितने प्यारे प्यारे झरने। हेलो छोटू, कहाँ जा रहा तू, ये कितना खाती है यार, अब इसको मैगी खानी है, चाय मैगी, पहाड़ों वाली मैगी। पायल तुम भी खाओगी? नहीं। तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, परांठा ही खाया एक, देखेंगे अगर अच्छी बनी होगी तो। चलो ब्रेक लेते हैं। उस्ताद पल्लू उस्ताद रुका है मैगी खाने। इस जगह का क्या नाम है भैया? हाँ जी खोक्सर। खोक्सर तो आगे है ना, यहाँ को कुछ और बोलते हैं, कोठी भी आनी। मैगी खा के ये बैठ गई पीछे, अब देखो अभी भी ब्रेड पीस खा रही है, ब्रेड पकौड़ा। यहाँ देखो फ्री का पाउडर बढ़ रहा है, ये अरे गाड़ी बंद करो खुला था मेरे शीशे की। ये देखो आगे ट्रैफिक देखो कितना ज्यादा, अब तो ट्रक भी चलने शुरू हो गए क्योंकि लेह लद्दाख भी आई थिंक खुल गया है, खुला ही होगा
ले लद्दाख आ गया। देखो ट्रैफिक अभी हम जा रहे हैं अपनी साइड पे, अभी बने रहो। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे यार भाई पका रहे हो तुम, थोड़ा सा तो सहना पड़ेगा, तो बस पहुंचने दो। वो रोड दिख रही है नीचे आप लोगों को, तो वहां जाने वाले हैं हम लोग। अब वहां जाएंगे अभी ऑफ रोडिंग के लिए। ये देखो सीधी सड़क दिख रही है आप लोगों को नीचे ना पड़ेगा, लेकिन देखना पड़ेगा कहां से रास्ता कटता है। जाएंगे जरूर, थोड़ा घूम फिर के आएंगे, ज्यादा तो नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम से निकलना है। यहाँ पे फंस गए हम तो बहुत लंबा फंसेंगे। इस पहाड़ देखो, कैमरा में उतने नहीं आ रहे लेकिन क्या दिख रहे हैं यार। यहाँ पे हो गया एक्सीडेंट साफ तौर पे, तो गाइस यहाँ पे हो गया एक्सीडेंट, देख सकते हो आप। इसमें साफ तौर पे गुजरात नंबर की गलती है क्योंकि HP नंबर अपने जगह पे है। देखिए आप देख रहे हो, इसीलिए हम कहते हैं अगर आपको पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चलानी आती है तो ना है। हमें थोड़ी प्रॉब्लम है यार आप लोगों से, क्या कहते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों से। आप आओ गाड़ी में, आओ हेलीकॉप्टर में, आओ एरोप्लेन लेकर आओ, लेकिन सेफ आओ, थोड़ा परिवार के साथ चलते हो आप। पीछे वाला रोड है, मुझे लगता है नीचे वाला। नहीं नीचे कहाँ से जाएंगे बताओ, नीचे से फिर भी यहीं से जाना पड़ेगा। हम जहाँ से नीचे आए थे ना उस वक्त हाँ चेक करता हूँ गाइस जाकर, वैसे मुझे लगता है कि वही रोड है। माइक्रोफोन की बैटरी लो हो चुकी है, अभी देखने जा रहा हूँ मैं रोड वहीं से या कहीं और से तो नहीं है रोड। मुझे तो लगता है यही वाली रोड है यार, यही रोड होनी चाहिए, नहीं तो कहीं दूसरी जगह से कटती होगी पक्का। यहाँ से कैसे जाएगी गाड़ी ऊपर, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर है यार गाइस। यहाँ से मैं बहुत आगे आ चुका हूँ, लेकिन आज ऑफ रोडिंग का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ये देखो यहाँ पे रोड खराब है, बहुत बड़े पत्थर है, इससे नहीं निकलेगी गाड़ी। पाइल सही थी, रोड नीचे से है, ये भी एक रोड है लेकिन ये दूसरी तरफ जाएगी, नीचे से जाएगी रोड, साफ रोड। ये भी रोड है लेकिन ये वो वाली नहीं है ना, ये अलग पहाड़ी है ना। मैंने तो बोला था। मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा ये पहाड़ी है पीछे वाली। गाइस मिल गया रास्ता जो ऊपर से दिख रहा था, मेरी गलती है, मुझे पता नहीं चला। ये वाला ये ब्रिज से नीचे यहाँ से जाएंगे, ये कहाँ से, अच्छा उधर से दूसरी तरफ। रुकेंगे मुझे भी लग रहा है। हम यहाँ से जा रहे हैं, ये तो वैसे ऑफ रोडिंग तो नहीं है, ऑफ रोडिंग जैसी है। चलो अभी ये रोड जबरदस्त है ना। हाँ पायल नहीं चलाई अभी, थोड़ी देर पहले पायल चला रही थी। पायल बताओ मजा आया नहीं आया, अभी नहीं आया असली मजा, असली ऑफ रोडिंग ऊपर आएगी, नदी ना आ जाए बस। क्या लगता है भैया, अच्छी जगह मिलेगी आगे की या फिर गंदी? आगे रोड खुली हो और जाने दे हमें, और मुझे लगता बहुत ही अच्छी जगह पर पहुंचने वाले हम आज। जाने देंगे, कौन रुक रहे हैं, हमारा घर है ऊपर, बोला हमारे खेत है। जमीन ली हमने अभी बिठा रखा पीछे। क्या क्या बोल रहे हैं, मजदूर बिठाया पीछे काम पे मिल लाया, इतना सुंदर मजदूर ये बुक ना कर ले अभी। ये आ गया असली ऑफ रोड गाइस,
ये है पूरी पथरीली रोड, चली जाए, चली जाएगी यहाँ से, चली जाएगी क्यों नहीं। ओह गॉड, पड़ेगा 4x4 ही ले आना। तो गाइस 4x4 सही लगा रहा हूँ। हाय पत्थर फंस गया है। रुको रुको, फोर बाई फोर पे गाइस वाकई ही इसमें बहुत पावर फील हो रही है। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया है 4x4। सामने से भैया आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे आगे क्या क्या है, कितना आगे और जा सकते हैं। हाँ जी भैया, कितने आगे जा सकती हो रही है भाई? हाँ जी, जो आपको ऊपर देख रहा है यहाँ तक जा सकते हो आप। अच्छा, जाने को तो आप ऊपर 4x4 है ना? 4x4 हाँ जी, जाने को तो ना आप ऊपर भी जा सकते हो। अच्छा जी, बट यहाँ पे 100 स्कूटर वगैरह मिलेंगे आपको। नहीं नहीं, बस यहीं तक है ना, जा सकते ना, थोड़ा बहुत तो जा सकते ना आगे। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भैया थे यार, है ना यार, लगा दो गाना गाने से। क्या कर रहे हो? सोचो जरा, दूसरे पे डालना पड़ा मुझे यार, मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे उतना 4x4 का नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी चलते जाओ। अब देखो आगे असली रोड, माइल बाहर से दिखाओ जरा, हाथ बाहर कर, रोड का नजारा। अरे हाँ, ये पहाड़ तो दूर से देखते हैं ना, वहाँ से कितने प्यारे लग रहे हैं। बस बस हम वहां पहुंच गए। रे रे रे, ओ वाओ, ये क्या है? तो गाइस हम लोगों ने कहा था, पायल ने जो कहा था कि बहुत सुंदर नजारा मिलने वाला है, और वो मिल चुका है, बस हम फंसे ना यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि हम फंसे ना 4x4 यहाँ, फंसे ना अगर। नहीं नहीं, नहीं फंसे ना, मुझे बताना। ऐसा लग रहा है बिल्कुल इन पहाड़ों के पास आ गए हम यार। फोन में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट रोड बस गाइस इससे आगे तो नहीं जा सकते हम। अब गाड़ी यहाँ लगाकर बाहर निकलते हैं, थोड़ा फिर लेते हैं नज़ारों का मजा, चले। आज मुझे पता है बहुत लंबे वीडियोस होने वाले हैं, अपने सारे वीडियोस लास्ट एपिसोड भी आपने देखा था, बहुत लंबा था, लेकिन लंबी वीडियोस यार फायदा तब पहुँचता है, मज़ा तब आता ना जब आपके पास लोकेशन ऐसी इतनी सुंदर हो। हाय हाय, यहाँ पे तो सुकून मिल रहा है दिल को। मुझे पता नहीं फोटो वीडियोस में कैसी दिख रही है, लेकिन भाई साहब एक नंबर। यहाँ पे ATV राइड्स मिलेगा आप लोगों को, कैंपिंग साइट भी है यहाँ पे। नाइस सर, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी, तो यहाँ पे भाई कैंपिंग साइट भी है क्या? अच्छा, कैसा था सर एक्सपीरियंस, कैसा रहा? मज़ा आ रहा है सर? ठीक है जी, इंजॉय कीजिए। ओके सर, तो भाई बात करना भी ज़रूरी है, और लोग इंजॉय कर रहे हैं ना, कितना इंजॉय कर रहे हैं सब लोग। टायर देखो कितने तगड़े तगड़े हैं। हाँ देखो कहाँ गाड़ी लाए हम, यहाँ पे ATV स्कूटर ही चल सकते, लेकिन हमने पहुँचा दी गाड़ी। तो गाइस फाइनली हम लास्ट पॉइंट है ये, इस जगह का नाम नहीं आता हमें, ये बहुत ऊपर से दिखती थी, लेकिन देखो ये जो सामने पहाड़ी है ना, सफ़ेद पहाड़ी, पता नहीं मुझे कैमरे में दिख रही है नहीं दिख रही है, लेकिन कम से कम इतना ट्रैफिक यार, बाहर इतना ट्रैफिक है, उससे बाहर हटकर हम यहाँ आए, बहुत मज़ा आया, इसने बहुत साथ दिया। अब इससे आगे हम फंस चुके हैं, तो गाइस अब गाड़ी मोड़ते और निकलते। मुड़ गई, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, एक दो बार में ही मुड़ गई। चलो तो चलते हैं, अब एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, इसी पॉइंट पे जो कहा था ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस करेंगे। छोटा सा एक्सपीरियंस था, मुझे पता है बहुत प्रो लेवल करते हैं लोग, लेकिन नए नए हो भाई, फर्स्ट टाइम 4x4 यूज़ कर रहा था। तो निकलते हैं घर की तरफ, अगर बीच में कुछ नज़ारे मिले तो वो भी दिखाएंगे। चलें,
सब्सक्राइब करो, किसी को बताओ मत, सब्सक्राइब जरूर करो। एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, आपके भाई को सपोर्ट मिलेगी। चले बैंड ब्लॉग सब्सक्राइब। गाइस हम लोग मनाली पहुंच चुके हैं और मनाली से निकल गए आगे। हम लोग रुकेंगे अभी 17 मील में। तो हम लोग पहुंच गए जहां हमें आना था खाने के लिए। रहा यहां पे देखो, ये लोग यहां आना चाहते थे खाना खाने स्पेशली। और गाइस यार यहां तो आते रहना चाहिए हमें। देखो अब होगी खुश, अब एक्टिव हो गाइस। चीज़ केक हमने तो शुरू भी कर दी। चेस चेस गाइस, पिज्जा उठाकर मैं आ गया हूँ। ये देखो सनलाइट और पिज्जा। खाना पीना डन, अब एक काम करते, खत्म करते इस ब्लॉग को। बाय बाय।